तो दोस्तों बम्पर लिस्टिंग के बाद अब जोमेटो का शेयर कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होना चालू हो गया है। अब जैसे मैं एक महीने का चार्ट दिखाता हूँ आपको, इसमें जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक एकदम लिस्टिंग के बाद 140 रुपये तक गया था और फिर स्टॉक नीचे आ गया था यहाँ पे 130 रुपये के आसपास। फिर से स्टॉक 145 रुपये तक गया था, लेकिन वहाँ से स्टॉक फिर से ठंडा पड़ गया और स्टॉक अभी 136 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं अब इस रेंज में स्टेबलाइज होना चालू हो गया है, क्योंकि वैल्यूएशंस कंपनी के अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो रिस्क जो इस प्राइस में स्टॉक में है जोमेटो के शेयर में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं शेयर में। दोस्तों अगर हम पहले कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास दो सबसे बड़े एसेट्स हैं। उनमें से पहला एसेट है कंपनी का जो डिलीवरी नेटवर्क है। वो कंपनी के पास इतने सारे लोग हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं कि पास आसपास ही कुछ घंटे में कुछ मिनट्स में वो सामान डिलीवर करने का पोटेंशियल रखते हैं। कंपनी चाहे तो जो ये एसेट है कंपनी का डिलीवरी नेटवर्क, इसको कहीं कई और वेंचर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी और नई बिजनेसेस चालू कर सकती है। कंपनी का ये एक बड़ा एसेट है इसका डिलीवरी नेटवर्क। और जो दूसरा कंपनी का सबसे बड़ा एसेट है वो है इसका जो इसकी ऐप है, जो इसका यूज़र बेस है। वो कंपनी के पास अच्छा खासा यूज़र बेस है जो कि कंपनी अगेन यूज़ कर सकती है नई चीज़ों में वेंचर होने के लिए, नए बिजनेसेस चालू करने के लिए। तो दोस्तों ये दो बड़े बिजनेस एसेट्स हैं कंपनी के अगर हम बात करें तो। लेकिन जो ये एसेट्स हैं उनके कंपैरिजन में जो कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी का वैल्यूएशन है करीब 1 लाख करोड़ रुपए का, वो बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो ये सच बात है कि जोमेटो का शेयर जो प्राइस जो शेयर्स हैं वो बहुत महंगे हैं। शेयर प्राइस 150 रुपये ही हो बट जो वैल्यूएशन है कंपनी के वो महंगे लगते हैं बहुत। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कंपनी के शेयर्स में क्या रिस्क है यहाँ से, दो जो कि इतना बड़ा वैल्यूएशन है कंपनी का इस वक्त, यहाँ से क्या रिस्क बनते हैं कंपनी के शेयर्स में। दोस्तों अगर हम नए इन्वेस्टर्स की बात करें तो अभी IPO में 75 रुपीज़ के आसपास बहुत लोगों ने शेयर लिए हैं कंपनी के। बहुत बड़े बड़े निवेशकों के पास शेयर आ गए हैं जोमेटो के। वहाँ से स्टॉक अभी 135 रुपये के आसपास चल रहा है, तो उनके पैसे कहीं ना कहीं वो डबल हो रहे हैं। तो लेकिन और वो चीज़ उस बेस पे है कि कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ से अचीव करेगी। कंपनी के जो सेल्स है प्रॉफिट, कंपनी लॉस में है, कंपनी की जो सेल्स हैं वो अच्छी खासी ग्रोथ देखेंगी और जो लॉस है वो कम होगा। बट दोस्तों यहाँ से अगर कंपनी के नतीजे जो अब आने चालू होंगे क्वार्टरली, उनमें अगर थोड़ी सी भी अंडर परफॉर्मेंस आती है, थोड़ी सी भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो जो कि जो हाई वैल्यूएशन है कंपनी का वो एक दिक्कतबाजी हो सकती है। वो यहाँ से एक प्रेशर देख सकता है, दिक्कत हो सकती है उस वैल्यूएशन को टिकने में, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और वो उस पे है कि कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा ग्रोथ देखेगी। तो आने वाले नतीजे जो क्वार्टरली रहेंगे, अगर उसमें कुछ भी प्रेशर आता है तो वो एक शेयर प्राइस का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है उसकी वजह से। और जिनके पास 70-80 रुपये के पास 80 रुपये की रेंज में बहुत सारे शेयर्स हैं, वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें जिसकी वजह से शेयर नीचे आ जाए। तो दोस्तों एक ये रिस्क है इस शेयर में। एक दोस्तों जो दूसरा रिस्क दिखता है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, वो क्या करेंगे जब वो देखेंगे कि शेयर का भाव 140-135 रुपये के आसपास चल रहा है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के शेयर्स पड़े हैं 20-30 रुपये की रेंज में, और वो 2-3 सालों पहले की पुरानी बात है। दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए IPO शायद उनके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि वो कंपनी के शेयर्स में काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अभी भी IPO से निकली है, तो अभी उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। बट थोड़े महीनों बाद जब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटेगी, तो क्या वो इस महंगे वैल्यूएशंस को देख के थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे या नहीं, ये एक चीज़ देखने वाली होगी। हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स वो ना बेचें क्योंकि उनका मन हो, उन्हें लगता हो कि शेयर्स यहाँ से बहुत ऊपर जा सकते हैं, अभी भी कंपनी का अभी भी शेयर प्राइस इतना नहीं गया ऊपर। बट दोस्तों शेयर प्राइस क्योंकि एक महंगी रेंज में अभी काम कर रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो एक ये रिस्क है कि वो जिनके पास 20-30 रुपये की रेंज में शेयर पड़े हैं जोमेटो के, जैसे इन्फो एज हो गया या आंट ग्रुप, बहुत सारे निवेशक हैं, अगर वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसकी वजह से जोमेटो का शेयर एक अच्छा खासा प्रेशर देख सकते हैं यहाँ से।
वो दोस्तों एक दूसरी चीज़ है रिस्क, और वो हमें पता जब चलेगी, जब थोड़े महीनों बाद जब रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। फ़िलहाल जितना मेरे नॉलेज में है शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो चीज़ एक रिस्क है कंपनी के शेयर्स में दोस्तों। तो दोस्तों ये दो चीज़ें रिस्क हैं जो कंपनी के शेयर्स में जो मैंने आपको बताई। अगर कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं यहाँ से, कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाती है, तो हो सकता है शेयर्स का दाम और भी बढ़ जाए यहाँ से। बट इस लेवल्स पे कंपनी शेयर्स में ये दो रिस्क है जो आपको लेके चलने पड़ेंगे अगर कंपनी के शेयर्स आप होल्ड करते हैं, कंपनी के शेयर्स में आप काम कर रहे हैं। ये छोटे मोटे रिस्क नहीं है, ये रिस्क बहुत बड़े हैं। यहाँ से ये कैपेबल रखते हैं कि अच्छी खासी गिरावट ला दे कंपनी के शेयर्स में अगर। तो दोस्तों अब अगला सवाल कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं जोमेटो के शेयर्स में। देखिए दोस्तों, अगर आप नई परचेजिंग के बारे में सोच रहे हैं जोमेटो के शेयर्स में, क्योंकि शेयर ने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही होगा कि आप शेयर्स को अवॉइड करें। इस लेवल्स पे शेयर्स को ना खरीदें, ना इसमें नई परचेज करें, ना तो वो बेहतर चीज़ रहेगी, आप इसको अवॉइड करें। आप बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं जो आपको अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और वैल्यूएशंस भी अच्छे खासे हैं। ये वैल्यूएशंस, अगर आप इस वैल्यूएशंस पे एक फ्रेश बाइंग करते हैं, तो वो एक काफ़ी रिस्की चीज़ रहेगी। तो दोस्तों बेटर टू अवॉइड दिस शेयर एट दिस लेवल। आप इस लेवल पे शेयर्स को अवॉइड करते हैं जोमेटो के, तो वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा, वो आपका डिसीजन बैड नहीं होगा। और दोस्तों जिनके पास शेयर्स हैं जोमेटो के पहले से ही आईपीओ के टाइम किया, जिन्होंने नीचे की रेंज में लिए थे शेयर्स, वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट इन लेवल्स पे बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से रिस्क तो बहुत बड़े हैं शेयर के प्राइस नीचे जाने के, बट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस कम हैं और पोटेंशियल कम है। तो वो चीज़ें डिपेंड, वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना शेयर में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा। अगर आपका मन है कि शेयर्स को आप रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या अभी भी आप रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ग्रोथ और आएगी, बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें जोमेटो काम कर रहा है, जो कि सच है, तो आप शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। बट क्योंकि जो मैंने आपको बताया वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, जो चीज़ें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कंपनी के लिए, जो भी कंपनी के पास एसेट्स हैं उसके हिसाब से जो शेयर प्राइस है, जो वैल्यूएशन है कंपनी के, वो बहुत महंगे हो गए हैं। इस वजह से अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके रखते हैं, और तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स पाने के लिए कि कंपनी के शेयर्स में क्या हो रहा है या आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।